पूरा यहाँ से लेना भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो बूजा से अंदर में पाडली स्कूल की ओर रास्ता जाता है, वहाँ का है। आप देख सकते हैं ये रास्ता बहुत समय से ऐसा ही पड़ा हुआ है, इसको किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया गया है, ये बनाया नहीं गया है। इस तरफ काफ़ी लोग रहते हैं, ऐसे जानकारी है। हालांकि लोगों से मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन मिलने के बाद पता चलेगा। और आप देख सकते हैं रास्ता किस तरीके से है। फिलहाल हम देख रहे हैं पूजा से पाडली की ओर जाने वाला रास्ता, जिसको आप देख सकते हैं पाडली स्कूल की ओर। बननी चाहिए वो नहीं बनी है। अब नहीं बनने का कारण क्या हो सकता है, ये तो शायद इसके जिम्मेवार जो लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही पता चल सकता है। आप देख सकते हैं ये पूरी सड़क, मैं फ़िलहाल बाइक पर हूँ, और कितना समय लगता है पहुँचने में वो भी आप देख पाएंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो सिर पर रखे हुए पैदल आ रहे हैं। इस तरफ से शायद कोई गाड़ी नहीं आती है। एडाई कोई गाड़ी नहीं आती, लोगों ने बताया कि है। और जानकारी मिली है कि 300 से भी ज़्यादा घर इस तरफ है। और ये जो है पाडली स्कूल की साइड जाने वाला रास्ता, इस तरफ का ये जो गांव है उपला बुजा के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं जो एक पुलिया है वो भी काफ़ी समय से टूटा हुआ है। इसे ठीक करने के लिए भी एक बार अगस्त महीने में जब मैं आया था तब भी यही स्थिति थी, और अब भी यही स्थिति है। यहाँ पर थोड़ी सी सड़क बनाई हुई है, लेकिन बाकी की सड़क क्यों नहीं बनाई, अब इसके बारे में शायद बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा गांव के लोगों से। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि कल नाइट में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना की जिम्मेवार ये सड़क हो सकती है, साथ ही साथ में कुछ लोग भी। अब ये तो जानकारी के बाद ही पता चलेगा। ये कुछ शंकाएँ हैं जिन शंकाओं को शायद बातचीत करने के बाद ही पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं पूजा जैसे ही सड़क ख़त्म होती है वहाँ से उपला पूजा की ओर आने वाला जो रास्ता है, और पाडली स्कूल की ओर रास्ता जो जाता है, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। अब दोस्तों, ये पूरा रास्ता दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आपको भी पता चले कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को इस रास्ते से हर दिन गुजरना पड़ता होगा कई तरह के कामों को करने के लिए, चाहे वो पंचायत में जाना हो या फिर किसी भी जगह स्वास्थ्य सुविधा के लिए सामान खरीदने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा रास्ता है, जिसे सड़क बनाने के बारे में सोचा भी है या नहीं, या इसके लिए कभी काम होगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। भले जो जिम्मेवार लोग हैं वो अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में इस रास्ते को देखकर, यहाँ के लोगों की परेशानी को देखकर इस रास्ते को ठीक कर सके। तो
तो फिलहाल हम हैं उपला गुजा में और ये जो रास्ता है वो पाटली स्कूल की ओर जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक घटना जो घट गई है, ऐसी जानकारी है, वो घटना क्या है वो भी हमें घटना स्थल पर पहुंचने के बाद ही पता चलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सड़क बन सकती है जिसके ज़रिए लोगों को और एक जीव को भी गुजरने में आसानी हो सकती है और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ से गुजरने में परेशानी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ का रास्ता, मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप शेयर करते रहिए ताकि जिम्मेवार लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो जागे और यहाँ की जो सड़क और रास्ता बनना चाहिए उसे बनाने की कोशिश की जा सके।